नमस्कार दोस्तों, आज नेचुरल फूड के कुकिंग में मैं आपको ये पालक और आलू की सब्जी फटाफट बना के दिखाऊंगा। ये मैंने तेल डाल दिया है और ये गर्म हो रहा है, और कुछ चीज़ें मैंने कटिंग करके रखी हैं, आप देख सकते हैं। ये प्याज, अदरक सॉरी लहसुन और ये मिर्ची, बाकी मैं इसमें अभी मसाला वगैरह डालूंगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा मेथी डाला है, मेथी दाना, थोड़ा जीरा और थोड़ा राई डाला है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें ये तीनों चीज़ें, लहसुन की कली और ये प्याज और ये मिर्ची डालूँगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें इसको डाला है और इसको हल्के हल्के भून रहा हूँ, हल्की आंच में, आप देख सकते हैं, हल्के फ्लेम पे। ये धीरे धीरे हल्का सा भुन जाएगा, उसके बाद में और चीज़ें ऐड करूँगा। तो आप देख सकते हैं हल्का भुन गया है। अब मैं इसमें ये आलू और पालक भून के रखा हुआ वो डालूँगा। ये देखिए, मैंने इसमें आलू पालक डाल दिया है। अब इसमें नमक डालूंगा ताकि ये गल जाए और फिर बाद में अच्छे से पक सके। इसको मैंने अच्छे से नमक डाल के चला के और इसको गलने के लिए रख दिया है, तो 2-3 मिनट के लिए रख देंगे तो जल्दी गलेगा। इसके बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। मसाले में वही सिंपल हल्दी, मिर्ची पाउडर और ये धनिया और आपका और भी मसाला एक तो वो ऐड करेंगे ताकि अच्छे से भून जाए, पहले ये गल जाते। तो दोस्तों ये देखिए, लगभग ये गल से गए हैं, इसमें पानी भी ठंडा है। पालक तो वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, चलता है तो पानी आता है इसमें पालक में, तो लगभग गल से गए हैं। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ये देखिए, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर कर दिया, हमारा चावल भी हो गया फटाफट। अब इसको थोड़ा पकने देंगे, आज पैन में ही बना लिया। जल्दी पक जाएगा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी तैयार हो गई सब्जी, आलू पालक। लाइट थोड़ा कम होगी, रोशनी थोड़ा कम आ रही होगी, आप देख सकते हैं। एकदम मस्त आलू भी गल गए, पालक भी पक गए और खुशबू भी अच्छी आ रही है। ये फटाफट बन गया, अब आप इसको सर्व करके खा सकते हैं।